अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं अटक में, आपको दिखाएंगे अटक में मौजूद मुख्तलिफ जगहें जो आप जब कभी भी अटक आएँ तो आप वो देख सकते हैं। तो चलते हैं अटक। मैं इस्लामाबाद से अटक जा रहा हूँ। जीटी रोड से संजवाल मोड़ पर बाएं जानेब मुड़ गया और छल्ला खान चौक से दाएं जानेब टर्न ले लिया। इसी रोड पर आगे जाएंगे तो आपको पाकिस्तान का एक बड़ा झंडा लहराता हुआ नज़र आता है और ख़ूबसूरती से आई लव अटक भी लिखा हुआ है। मज़ीद आगे जाएँ तो कुछ ही देर बाद त्रैमीला चौक से बाएँ जानेब कामरा रोड पर मुड़ गए। इस रोड के दोनों जानिब अटक की काफ़ी कॉलोनियाँ हैं जहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इनमें से कुछ कॉलोनियों में पीपल्स कॉलोनी, दारुस्सलाम कॉलोनी वगैरह मशहूर हैं। यहीं पर थोड़ा आगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अटक मौजूद है और एक और प्राइवेट हॉस्पिटल खालिद सईद जो कि काफ़ी मशहूर है वो भी यहीं पर मौजूद है। अटक शहर में बहुत से चौक हैं जहाँ से मुख्तलिफ अतराफ़ में रास्ता निकलता है। इन मशहूर चौकों में से शेरांवाला चौक, कचहरी चौक, हैदरी चौक, फवारा चौक, सेशन चौक। वैसे ये सेशन चौक है नाज़रीन, यहाँ पे ये सेशन चौक इसलिए है कि यहाँ पे जजेस की कॉलोनी वगैरह मौजूद है। कमेटी चौक, सैनमा चौक, मदनी चौक, इकबाल चौक, पाकिस्तान चौक, बसाल चौक और कश्मीर चौक शामिल हैं। अटक शहर में बहुत से बड़े बाज़ार भी मौजूद हैं जहां पर लोग शॉपिंग के लिए इर्द गिर्द के गांव से आते रहते हैं। इनमें मोती बाज़ार, मेन बाज़ार, मीना बाज़ार, सर्राफा बाज़ार वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अटक की सब्ज़ी मंडी भी बहुत मशहूर है। अटक की सब्ज़ी मंडी अपने सस्ते रेट्स की वजह से लोगों में बहुत मकबूल है। यहाँ पर सुबह सवेरे सवेरे मुख्तलिफ फ्रूट और सब्ज़ियों के लिए बोलियाँ लगती हैं जो कि दुकानदार ख़रीदते हैं और फिर वो आगे जाकर अपनी दुकानों पे इसको बेचते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले यह हवेली ठाकुर तोला राम सिंह की थी जो तकसीम के वक्त हिंदुस्तान चले गए, लेकिन यह हवेली अब भी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। अटक में कुछ पार्क्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के करीब ही एक रेलवे पार्क है जिसका नाम अब इस्फन यार बुखारी रेलवे पार्क रखा गया है। इस रेलवे पार्क में एक पुराना स्टीम इंजन भी रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक फाइटर जहाज भी पुराना रखा गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ अकसाम के झूले भी मौजूद हैं। इसके अलावा जिना पार्क है जहाँ काफ़ी ग्रीनरी है, आप यहाँ पर अच्छी वॉक एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए झूले भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई पार्क हैं जैसा कि कंटोनमेंट बोर्ड, चिल्ड्रन पार्क और महरिया पार्क वगैरह शामिल हैं। ये जो आप दाएं साइड पे बिल्डिंग देख रहे हैं ये अटक कचहरी की बिल्डिंग है।
दीवारों पर खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ रंगों के गमले रखे हुए हैं। अटक की एक मशहूर जगह इसका वैन अड्डा भी है। यहाँ पर आपको पुराने ज़माने की फोर्ड वैन्स बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आती हैं और इन वैन्स को बहुत ही शोक कलर के मुख्तलिफ रंग दिए गए होते हैं। आपने भी इस वैन्स में सफ़र ज़रूर किया होगा, लेकिन अटक में ये वैन्स अभी तक चल रही हैं। ये जो खस्ता हाल इमारत आप सामने देख रहे हैं, इसको पुरानी सराय कहा जाता है। इसके ऊपर लगी तख्ती पर लिखा है, रईस खाना, डिस्ट्रिक्ट अटक, कैम्बलपुर, इरेक्टेड बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन इन मेमोरी ऑफ हर मेजेस्टी क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया 1907। मुकामी लोगों के मुताबिक ये रईस खाना 1990 तक कायम रहा। इसमें दूर दराज से लोग आते थे और रात रहने के लिए क़याम करते थे। अब यहाँ पर जा बजा गंदगी है और नशाई हजरात अब यहाँ आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। यह है अटक की एक और बड़ी पहचान, यहाँ का रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन बेसिकली एक जंक्शन है। यह एक बहुत ही तारीखी रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन 1881 में बनाया गया। ये मेन लाइन 1 पर मौजूद है। यहाँ से एक लाइन पेशावर, दूसरी रावलपिंडी और तीसरी मुल्तान की तरफ निकलती है। यहाँ पर लोको शेड, टर्न टेबल और बड़े प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। ट्रेन्स के टाइम पर यहाँ पे आपको बहुत गहमा गहमी नज़र आती है। अटक में एक कब्रिस्तान देखने का भी इत्तेफाक हुआ। इसकी जो ख़ास बात लगी वो इसकी खूबसूरती और इसकी तरतीब है। इसको मैनेज करने वाले वाकई दाद के मुस्तहिक हैं। अटक का बाज़ार यहाँ की तैयार करदा खसूसी खेड़ी के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर आपको जरी चप्पल भी मिल जाती है। इसके अलावा अटक के बाज़ार अपने खानों की वजह से भी जाने जाते हैं। इनमें से कुछ मशहूर मलकंड होटल के चपली कबाब, गामा छोले वाला, बिल्लू चाट, पंजाब होटल का नाश्ता, बिस्मिल्ला होटल का मगज़ फ्राई, मसूदी आइसक्रीम, आज़ाद चाट, इकबाल होटल के खाने और इंडस होटल वगैरह शामिल हैं। वैसे ये सेशन चौक है नाज़रीन, यहाँ पे ये सेशन चौक इसलिए है कि यहाँ पे जजेस की कॉलोनी वगैरह मौजूद है। अटक के बाज़ारों में रात को देर तक गहमा गहमी रहती है और खाने वाले स्टॉल्स पे काफ़ी रश रहता है। आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिलती हैं। ये था हमारा आज का शहर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मुलाकात होगी किसी अगले शहर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।